आजसू पार्टी जिला समिति द्वारा विद्युत महाप्रबंधक के कार्यालय पर प्रदर्शन कर विभाग के आला अधिकारियों को चेतावनी दी गई और यह बताया गया कि 15 दिनों में अगर बिजली की समस्या का निदान नहीं हुआ तो आपके कार्यालय की तालाबंदी से आंदोलन की शुरुआत होगी। प्रदर्शन का संचालन जिला प्रवक्ता अप्पू तिवारी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन छात्र नेता हेमंत पाठक ने किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे कन्हैया सिंह ने बताया कि पूर्व की सरकार में क्षेत्र के लोगों को बिजली 21 घंटे और 22 घंटे मिल रही थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने बिजली को बेचने का काम किया है। पहले खनिज संपदा को बेचा जाता रहा है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के द्वारा स्वयं विभाग को अपने पास रखकर बिजली को बेचने का काम किया जा रहा है। कन्हैया सिंह ने बताया कि जिले के सभी विधायकों ने टाटा स्टील की सुविधा लेकर अपने आप को बेच दिया है। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की जनता के विश्वास और उनके उम्मीदों को भी बेचने का काम किया गया है। टाटा कंपनी के क्वार्टर में यह आराम फरमा रहे हैं। आखिर किस हैसियत से टाटा कंपनी से क्वार्टर को आवंटित कराया गया, क्योंकि इन लोगों द्वारा टाटा कंपनी से भी गेट पर धरना प्रदर्शन कर जनता के स्थानीय विषयों को बेच क्वार्टर से समझौता कर लिया गया है। दूसरी ओर आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस ने बताया कि राज्य के मुखिया असंवेदनशील हैं, इन्हें राज्य की जनता से कोई सरोकार नहीं। और बिजली विभाग के अनियमित बिजली सप्लाई को देखते हुए लोगों को जो परेशानियां जो झेलनी पड़ रही है, इसको देखते हुए आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई ने आज बिजली विभाग के महाप्रबंधक को विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक दिवसीय ये कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम के माध्यम से महाप्रबंधक को अवगत कराते हुए और विशेष रूप से लोगों को बिजली के प्रति ध्यान देने के लिए आज हम लोग लिखित रूप से इनको एक मेमोरेंडम देंगे। साथ ही साथ विभाग को ये भी कहना चाहेंगे, चूँकि विभाग बिल लेने में जिस प्रकार से तत्परता दिखाती है, बिजली वितरण में उस उतना तत्परता नहीं दिखाती है। लोग नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो लोगों को हक बनता है कि उनको 24 घंटा बिजली मिले। जमशेदपुर चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, आज लोग बिजली के प्रति जागरूक हुए हैं और लोग बिजली बिल भुगतान भी करते हैं, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण आज इतनी चिलचिलाती धूप, इतनी बढ़ती गर्मी में जो परेशानियां झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, इसीलिए आजसू पार्टी आज यहां महाप्रबंधक के कार्यालय पहुंचे हैं, एक दिवसीय धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके बावजूद विभाग अगर इसमें सक्रिय नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से आजसू पार्टी आगे कार्रवाई करने के लिए विचार करेगी, बाध्य होकर। नहीं देखिए ना, हम मैंने ना उनकी गलती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, हम एक्सपेक्टेशन के हम ऐसे कह सकते हैं कि जो उनका एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन पे हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ये हम एडमिट करेंगे। क्योंकि आज के डेट में स्वाभाविक है कि जमशेदपुर जैसे शहरों में जो गर्मी है, अगर हाफ एन आवर भी गर्मी लाइन कटता है, किसी आप भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते होंगे, तो लगता है कि 2 घंटे से लाइन कटा हुआ, पूरा पसीना वसीना आ जाता है, आदमी परेशान होने लगता है। तो आज के डेट में समय का डिमांड है कि एक्चुअल में 0 कट है, जो हम लोग अभी एवरेज 22 घंटा तो दे पाते हैं, लेकिन 0 कट वाला जो सिचुएशन है वो हम लोग अभी 2 घंटा में आधा घंटा करके 3 से 4 बार फ्यूज बनाने और इस सब के लेकर के हो जाता है। जो पब्लिक के कह सकते हैं कि उस एक्सपेक्टेशन पे अभी हम लोग उतना खड़े नहीं हुए हैं। पावर का सप्लाई का कमी है? नहीं, सप्लाई की कमी टाइम टू टाइम आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कह सकते हैं कि बीच बीच में, जैसे अभी हमारा डिमांड करीब समर में, जैसे पूरे झारखंड का डिमांड विंटर में नॉर्मल में 1500 मेगावाट रहता है डीवीसी एरिया छोड़ करके, लेकिन अभी करीब वो 2000 2100 मेगावाट जाता है। तो पावर परचेज हमारा 500 से 600 मेगावाट हो रहा है सेंट्रली, लेकिन कभी कभी वो पावर परचेज 350 400 होता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा अपन आवर करके एक फीडर का शेडिंग होता है। अदरवाइज सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव किया है पिछले 2-3 दिन से। अभी देवी बिंदल हेडक्वार्टर 700 मेगावाट का पावर परचेज कर रही है, इसके चलते अभी हेडक्वार्टर का कोई लिमिटेशन नहीं आ रहा। न्यूज विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफन XT600 HCR TNT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।